पार्क से और अभी जा रहे हैं साई धाम। यहाँ साई मंदिर एक बहुत अच्छा है, वहां पर जा रहे हैं। जैसे ही घर आए बस स्कूटी खड़ी की, दीपक बैठे हुए थे अपनी गाड़ी में, खड़ी करते ही वापस गेट से बाहर ही निकल ली। एक बोतल थी बस वो अंदर रख के आई थी। तो अभी मंदिर में चलते हैं। आई और मैं ही जा रहे हैं, चाहत नहीं आई, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो अब हम ही जा रहे हैं बस। 7:30 बज रहे हैं। और गाइस बिल्कुल अंधेरा हो गया है क्योंकि 8 बजने वाले हैं। इस फोन में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा अंधेरा, और अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में ही, और आते आते तो बहुत लेट हो जाएंगे, फिर 9 बज जाएंगे। और सामने नीचे एक साइड क्लाउड हो रखे हैं थोड़े से। ये हम बस पहुंच गए, लिखा भी हुआ है साई का आंगन, श्री साई बाबा मंदिर। गाइस ये पहुंच गए हैं और चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी है, सिर्फ इस मंदिर में जाने वालों की है ये सारी, दूर तक जो दिखाई दे रही है। यहाँ चप्पल जूते यहीं पर उतारने पड़ते हैं अंदर जाने से पहले। जाने से पहले हैंड वॉश कर लेते हैं बाहर। अंदर जो मेन मंदिर था उससे हम आ गए बाहर, क्योंकि वहां पर नहीं बनाने दे रहे हैं वीडियो, ये इसके बाहर का है थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ आरती वगैरह चल रही है, पता नहीं कुछ वचन दिए जा रहे हैं। इसके वास्ते खास टुंगी अर्थात पराई स्थल का निर्माण किया गया। उड़ीसा के मशहूर टीवी चैनल से और जो हम जा रहे हैं ये आगे गुफा है छोटी सी, उसमें जाते हैं यहाँ से रास्ता। करोना काल विच उड़िया बांग्ला अंग्रेजी विच इसके पहले बार रिलीज किया जाना है। श्री गुरु साहिब जी पाप जी श्री
बाय। जय श्री साई, जय श्री साई, जय श्री साई। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, मेरे भाई ऑस्पिशियल रिपोर्ट थे। गाइस अभी आ गए दर्शन करके बाहर, और यहाँ आकर मन को बड़ी शांति सी मिलती है, एकदम शांत माहौल, इतना अच्छा लगता है यहाँ आकर, बहुत ज़्यादा अच्छा। और हवा भी इतनी बढ़िया वाली चल रही है शाम के टाइम, बहुत अच्छी। बस अंधेरा हो चुका है और जा रहे हैं अभी घर। गाइस रास्ते में जाते हुए एक गोल गप्पे खाने लग गए हम। ये भैया दिखाई देगा, यहीं से ही निकल रहे थे, इनके सबसे अच्छे लगते हैं हमें खाते गोल गप्पे, इसलिए आयु भी खा रहे हैं। मैंने और आयु ने गोलगप्पे खाए और दीपक ने अपनी बनवाई है टिक्की। टिक्की बस बनकर रेडी है।